मुनव्वर साहब कृष्ण बिहारी नूर का एक शेर पढ़ के गए कि जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं और जुर्म क्या है ये पता ही नहीं। इस गजल का आगे एक शेर है कि सच घटे या बढ़े तो सच नहीं रहता और झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। तो सच में थोड़ा या ज्यादा अगर मिलावट होती है तो फिर वो झूठ होता है। और एक बड़ा सच है कि हम सब इसी झूठ का पेशवर धंधा करते हैं। हमको लगता है कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो देश के लिए बहुत ज़रूरी है और देश को लगता है कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो कूड़े का भाव है। तो कहीं कोई बुनियादी फ़र्क है। हिंदुस्तान जो सोचता है, हिंदुस्तान जो समझता है, आज की तारीख में देश जिस रफ्तार से बदलता चला गया है, टेक्नोलॉजी और सूचना के तमाम जरिए, इन्होंने दूर दराज के गांवों और दिल्ली जैसी राजधानी, इनके बीच का फासला लगभग ख़त्म कर दिया है। जो खबर मुझे और आपको अभी मिलती है वो खबर गांव में बैठे आदमी को मोबाइल पर तुरंत मिलती है। तो वो इसलिए नहीं हमारे आपके पास आता है कि आपने वो खबर उसको दी क्या, वो शायद इसलिए आता है कि उसके आगे खबर आपके पास है क्या। अगर नहीं है तो फिर वो हमसे सवाल करता है और हम एक पारंपरिक तरीके से बनी बनाई लीक पर चलने के आदि हो गए हैं। खतरा शायद कुछ लोगों के लिए भी है कि ये जोखिम TRP का है, ये बाजार का दबाव है, बिना ये जाने कि जो देख रहा है उसको देखने की ज़रूरत है भी या नहीं। सुमित ने सही कहा कि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर आप जाएंगे तो पानी का बड़ा संकट है और यह संकट गहराता चला जा रहा है। हमें आपको शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि आज की तारीख में हिंदुस्तान को पानी की जो सप्लाई होती है 7 साल बाद दोगुना ज़रूरत है उसकी और पानी लगातार ख़त्म होता चला जा रहा है। महाराष्ट्र में गांव है हिवरे बाज़ार। उस गांव में एक सरपंच हैं पोपटराव। हिवरे बाज़ार अहमदनगर ज़िले में है। ये हिंदुस्तान का वो ज़िला है जहां धूल उड़ती है। घर घर में फांका चला करता था, दरवाज़ों के ऊपर सलाखें लगने लगी थी, लोग जाने लगे थे घर छोड़ करके, पानी नहीं। उस आदमी ने अपने गांव के लोगों को, अपने इलाके के लोगों को समेटा सहेजा और प्लांटेशन का काम शुरू हुआ। खेती जो बहुत पानी मांगती है, जो ट्रेडिशनल खेती होती है धान की गेहूं की, उसको बंद किया और इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर जो होता है जिसमें फिशरी है, हॉर्टिकल्चर है, डेयरी है, इसको शुरू किया गया। और हिवरे बाज़ार हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में इकलौता ऐसा गांव है जो सबसे ज़्यादा पानी से लबालब है, खुशहाल है और उसका अपना सेल्फ डिपेंडेंट गांव है। खाली होते घरों आंगनों को फिर से बसा देने की जो ताकत है वहीं के लोगों के बीच में। स्टार तो हमारे लिए पोपट राव जैसे लोग हैं, वो गांव है। हमने अपने नायक नहीं बदले। ये पॉलिटिशियंस जो खड़े होते हैं जिसके एक बयान को लेकर के हम लगातार दिन भर जो है आपाधापी मचाए रहते हैं, पता नहीं कितने लोगों को खड़ा कर दो, यहाँ विंडो वहाँ विंडो, ये नेता ये नेता, 2 घंटे के बाद उसका क्या सिला है, उस बहस के क्या मायने हैं। लेकिन एक गांव का सरपंच 2200 लोगों की जिंदगी बदलता है। हमारे हीरो वो होना चाहिए था लेकिन हम नहीं मानते क्योंकि हमको TRP नहीं मिलती है। सुमित ने सही कहा कि मैं अपने चैनल के एवरेज TRP से 70% कम पाता हूं क्योंकि मैं एक बुनियादी सवाल लेकर चलता हूं और देश के बड़े बुनियादी सवालों को लेकर के जो आदमी चलता है गंभीरता से लोग उसको सुनते नहीं है। मुनव्वर साहब सही कह रहे थे कि आपके पास रिमोट है, आप हमारे संपादक हैं, आप बदलते क्यों नहीं। आप नहीं बदलेंगे लेकिन हमारे ऊपर बदलने के लिए आपका दबाव रहता है। हम आपकी खातिर नहीं कर रहे हैं, इस बात का सवाल आप हमारे ऊपर उठाते हैं लेकिन आप अपनी जो बेसिक टेम्परामेंट टेस्ट है उससे अलग नहीं होते। इस देश में 135 पावर प्लांट्स हैं,
135 1.5 मिलियन टन जो कोयला है 40 दिनों के रखा जाता है, और जो हमारी पावर जनरेशन है 70% कोयले से होती है। टोटल पावर जनरेशन का 3/4 कोयला से प्रोड्यूस होता है। कोयला जो ग्लोबल कंडीशन अभी है उसके लिहाज से आपको भी नीचे लाना है, तो पावर क्राइसिस कैसे बनेगी। सुबह आज मैं पढ़ रहा था कि हिंदुस्तान में 2021 से 22, 22 से 23, 23 से 24 के बीच में 20% 15 से 20% पर एनम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो कोयले का कंजम्पशन बढ़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के इंटरनेशनल कमिटमेंट जो हमारा है उसको पूरा करने के लिए हमको कोयले का एक सीमा में उसका इस्तेमाल करना है, तो हम नीचे जाएंगे, तो मेरे पास अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ पावर क्या है। बिहार के जहानाबाद में एक गांव है, धरना आई, कोई नहीं जानता है। वो गांव जहानाबाद में कहता हूं, लक्ष्मणपुर बात है, एक कांड हुआ था, लालू प्रसाद यादव सीएम करते थे, नक्सलियों के लिए बिहार का जो इलाका खून खराबे से लगातार रंगा रहता था उसी में धरनाई गांव है, और 100 किलोवाट सोलर पावर जनरेशन करके ना सिर्फ सेल्फ डिपेंडेंट है बल्कि आसपास उसने अपने गांव के भीतर छोटी मोटी इंडस्ट्रीज भी लगा रखी। वो गांव हमारा नायक क्यों नहीं हो सकता है, हमारा हीरो क्यों नहीं है? क्योंकि हम हीरो बनाना नहीं चाहते हैं, अगर हम हीरो बनाएंगे भी तो आप देखना नहीं चाहते। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई सुनामी आ रही हो और आप समंदर के किनारे सर्फिंग कर रहे हैं ये मान करके कि आने में तो 8 घंटे की देरी है, मैं मजा ले लूं। हिंदुस्तान के इंसान की जो बेसिक फितरत है, बुनियादी फितरत होती है, वो मजे लेने की है, बड़े और बुनियादी सवालों पर समझने बूझने जिरह करने और कोई रास्ता निकालने का नहीं है। 140 करोड़ का देश है ये। मैं बिहार से आता हूँ, मेरा एक ज़िला है सीतामढ़ी, और मैं जितनी चीज़ें आपसे अभी चर्चा में ले आ रहा हूँ ये मेरे शो का हिस्सा रही, 68 घंटे का मेरा शो होता है रात में 8 से 9 का, और कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, 1 घंटे सिर्फ बोलता हूँ। मेरा प्रोड्यूसर जानता है कि यहाँ विजुअल होगा, यहाँ ग्राफिक्स होगा, यहाँ बाइट होगा, उसी सिलसिले में चलता रहता है, लेकिन बुनियादी समझ का बहुत साफ होना बहुत जरूरी है। हम दरअसल ऐसी बहस में आ गए हैं जो बहस कहीं नहीं जाती है और कभी खत्म नहीं होती है, वो चलती रहती है। वो मौत का कुआं होता है, मौत के कुएं में आदमी जितनी तेज से चलता रहता है, उसके मोटरसाइकिल की आवाज जितनी ऊंची होती है, उसकी रफ्तार जितनी ज्यादा होती है, लोग उतना ही तन के देखते हैं, उनकी सांसें टंगी रहती है, उनको लगता है कि यही जिंदगी का सबसे बड़ा खेल है, और वो तमाशा दिखा रहा होता है। हम सब वहां के फंस गए हैं। कुछ बड़े सवाल थे, मैं चूंकि आधे घंटे सुन रहा हूं, तो सीतामढ़ी में सुरेंद्र हैं, सुरेंद्र पढ़े लिखे आदमी हैं, MBA हैं, 2 बीघे में वो खेती करते हैं। मेरा टाइम हो जाएगा तो बता दीजिएगा, मैं 2 मिनट पहले खत्म कर दूंगा। 4 कट्ठे में, जो बिहार के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, 4 कट्ठे में परवल अगर बोते हैं तो 25 से 30 हज़ार रुपये महीने वो कमाते हैं, क्योंकि उन्होंने खेती साइंटिफिकली की है, पढ़ा लिखा आदमी है। 2 बीघे से 60 से 65 हज़ार रुपये महीने का वो आदमी अपनी सब्जियां उगा करके कमाता है। सुरेंद्र कुमार हमारा हीरो क्यों नहीं है? इस देश में आप किसानों का आंदोलन बड़ा खड़ा कर देते हैं, MSP पर जीरो होती है, क्रॉप पैटर्न आप बदलेंगे नहीं, धान गेहूं मकई बाजरा ज्वार बोते रहेंगे, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है देश को और दुनिया को। जिन फसलों की जरूरत है, जिनसे बाजार व्यापार बढ़ सकता है, उनकी खेती क्यों नहीं हो सकती है? दरभंगा में मेरे जानने वाले 2-3 ऐसे दोस्त हैं मेरे जो दिल्ली और मुंबई में नौकरी करते थे, वो गए और मखाना की खेती करते हैं, साइंटिफिकली करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और इंटरनेशनल मार्केट को कैटर करते हैं, शाम को गाड़ी उठाते हैं, बाजार पर जाते हैं, बढ़िया से चाय पीते हैं, अपने लोगों से मिलते हैं, गाँव जाते हैं, और फिर वो अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक जीते हैं।
ये जिंदगी नसीब हो सकती है अगर सुरेंद्र कुमार जैसे लोगों को भी हम अपना हीरो बनाएं तो। हम नहीं बनाते। मैं ये नहीं कहता हूं कि सत्ता से आप अलग होकर के जाएं। किसी भी देश की सत्ता होती है वो आखिरी पायदान पर जो आदमी खड़ा है उसके लिए नीतियां बनाती है, उन नीतियों का असर या फायदा उस तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता यह देखना मीडिया की जिम्मेदारी है, होना चाहिए। सत्ता के सवाल से बाहर मीडिया नहीं हो सकता है। लेकिन जो बदलाव हो रहे हैं उन बदलावों को लेकर के आपकी अपनी समझ, अपना नजरिया कहाँ है यह भी जरूरी है, और जो जनता हमारी है, दर्शक है, वो कितना स्वीकार करता है यह भी देखना लाजमी है। कश्मीर 370 के बाद एक बड़ा मसाइल रहा है कि 2019 के बाद कश्मीर क्या बदला। कश्मीर में जो हालात बदले हैं, जैसे बदले हैं और जिस तरीके से बदले हैं और जितने बदले हैं, उसको हिंदुस्तान नहीं दुनिया को भी दिखाना चाहिए। ये किसी सरकार या हुकूमत की पैरोकारी नहीं कर रहा मैं, लेकिन अगर फैसले लिए जाते हैं और जमीन पर उनका असर दिखता है, आपकी मंशा बदलाव की दिखती है, तो फिर उसका जिक्र होना चाहिए। आप नॉर्थ कश्मीर में जो हाईवे बनाए जो उरी तक जा रहा है, श्रीनगर से बारामूला उरी तक, उरी तक ट्रेन का रास्ता जा रहा है, बारामूला में स्टेडियम बन रहा है, साउथ कश्मीर हाईवे चल रहा है, वहाँ एक ईंट रखने की हिम्मत किसी की नहीं थी। आज की तारीख में रात भर काम होता है, क्या ये अपने आप में बड़ा बदलाव नहीं है? लेकिन हम नहीं देखते। हमारे सवाल वो नहीं है ना, हमारा सवाल ये है कि यहाँ कोई बहुत ही वाहियात सा आदमी एक बहुत ही वाहियात बयान दे गया है, उस पर हम कितने घंटे तक काट सकते हैं और कितने घंटे गाली गलौज कर सकते हैं। कश्मीर के ऐसे दो लड़के हैं जो केसर की खेती आज की तारीख में करते हैं, उन जमीनों पर जिन जमीनों पर कभी कोई खेती कर नहीं रहा था क्योंकि दहशत का माहौल था। अभी मुनव्वर भाई कह रहे थे कि 90 to 96, शायद मैं सही कह रहा हूं, तो मैं कश्मीर में था, दहशत था और मेरे बगल में मिसाइल पड़ी हुई थी। आज तो पत्थर नहीं चलता है, पत्थरबाज नहीं है। हिंदुस्तान में कभी कोई दहशतगर्द नहीं हुआ, घटनाएं नहीं हुई, कश्मीर में हुई लेकिन पिछले कई वर्षों में नहीं हुई है। कश्मीर में जो बुनियादी बदलाव हो रहा है वो हिंदुस्तान के एक ऐसे फैसले का नतीजा है जिसको दुनिया को भी देखा जाना चाहिए, उसको भी दिखाया जाना चाहिए, और बहुत बदला है। इसलिए जो बदलता हुआ हिंदुस्तान है और बदलते हुए हिंदुस्तान के साथ लोगों की बदलती हुई मानसिकता है, उनके अपने सरोकार हैं, सवाल हैं, उनकी ज़रूरतें हैं, उनकी पसंद है, अगर हम उनको नहीं समझते हैं तो वो भी हमें नहीं समझते। हम अपनी डफली बजाएं, वो आएंगे सुनेंगे, टीवी कोई नहीं देखता है, दुनिया यहाँ है, उसको जब भी जरूरत पड़ेगी हमें देखेगा, अच्छा लगेगा तो देखेगा, नहीं तो फिर तमाशा देखने आएगा, मौत के कुएं में थोड़ी देर के लिए आएगा फिर चला जाएगा। तो इसलिए जानना ही ज़रूरी है कि हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। और मैं जो कह रहा हूँ, शायद मेरी बात हो सकता है कि उससे वाकिफ आप सब हों और आप इत्तफाक भी रखते हों, लेकिन हम लौट करके जाएंगे तो फिर हम वही करेंगे जो हम करते रहे हैं, थोड़ा हम बदल जाएंगे तो अच्छा होगा। आखिर में वो गालिब कहते हैं ना कि तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना, ये खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। तो हमारे बदलने और आपके मुताबिक चलने की बात मेरे एतबार के लायक नहीं है, फिर भी मैंने अपनी बात कही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।